हेलो फ्रेंड, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बीडा स्विंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि रिटेनिंग वॉल, जो कि आप लोग अगर बेसमेंट बनाते हैं तो कुछ जगह क्या करते हैं कि 9 इंच की वॉल खड़ी कर देते हैं बेसमेंट यानी कि तलघर के लिए, और कुछ जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनाते हैं जिससे कि जो बाहर की सॉइल है यानी कि मिट्टी है वो अंदर साइड ना आए। या फिर आपने एक चीज़ और देखे होंगे या नोटिस किए होंगे वहाँ पर कि कुछ जगह अगर 9 इंच की जो दीवार बना देते हैं वॉल अगर खड़ी कर दिए हैं तो आपने नोटिस किए होंगे कि वहाँ पर अगर बाहर से मिट्टी का जो प्रेशर है अर्थ प्रेशर अगर वो आता है तो आपकी जो 9 इंच की वॉल है वो क्रैक हो जाती है वहाँ पर। या फिर आपने देखे होंगे कि थोड़ा सा वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ जगह से बीच का उसका जो पोर्शन है वो बाहर निकला हुआ है, जिसे कुछ जगह कुछ भाषा में पेट निकला हुआ भी कहते हैं, उस तरह से निकल जाता है। तो ये ना हो इस कारण हम बेसमेंट में जो ग्राउंड लेवल के नीचे हैं जहाँ पर सॉइल प्रेशर आता है वहाँ पर हम रिटेनिंग वॉल डालते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो बेसमेंट है बिल्डिंग है यानी कि तलघर है वो डैमेज ना हो, इन फ्यूचर उसमें पानी ना आए, और उसके साथ साथ भी कि वो अंदर कभी ख़राब ना हो, यानी कि वो अगर आपकी ईंट की दीवार है तो अब वो ख़राब हो सकती है, इस कारण इसको हम कुछ इस हिसाब से करते हैं तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल देते हैं जो कि हमारी लगभग 4 से 6 इंच की रहती है। वो एज़ पर कंडीशन अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तरीके से हम दे देते हैं, तो जो हमारी ग्राउंड लेवल जो हमारा बेसमेंट है उसका जो ग्राउंड लेवल है ग्राउंड लेवल से जो नीचे का लेवल है वहाँ तक हमारी होती है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल के जो रेनफोर्समेंट है हम मैक्सिमम तौर पर 10-10 mm के देते हैं, जिनकी स्पेसिंग हम 7 से 8 इंच तक रखते हैं। कंडीशन के हिसाब से इसे कुछ जगह थोड़ा दूर भी कर देते हैं और कम 6 इंच तक कर देते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करते। अगर आपका स्ट्रक्चर हैवी है या फिर कुछ जगह ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करता है, 12 mm की भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 mm की यहाँ पर सरिया डालते हैं तो ये सफिशियंट है, जो कि 6 से 4 इंच का आपका रहेगा रिटेनिंग वॉल और वो आपको सॉइल प्रेशर जो है जो आएगा उससे रोकेगा, जिससे आपका पानी नहीं आएगा और आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये जानकारी शायद आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।